आज इतना स्पेशल दिन है, आज वो आ रही है, मैं यकीन कैसे करूं, मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हूं, आज वो आ रही है, आज वो आ रही है, आज वो आ रही है। संत जी, आप क्यों ऐसे मोर बन के नाच रही हैं, क्या खुशी का बात है बताइए? क्योंकि चंद्रमुखी चौटाला जी आ रही है। हाँ, अरे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। चुटी काट पहले। इस हाथ पे आप चींटी तो डिजर्व करती हैं। सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है। चीते मुझे पता है मुझे क्या डर लग रहा है, वो सामने आएंगे तो मैं बेहोश तो नहीं हो जाऊंगी? संतु जी, अगर आपको बेहोश होने का मन करे ना तो आप बेहोश होकर गिर जाइए। हम चीता चतुर्वेदी है ना आपको संभालने के लिए। हम तो कहते हैं ना कि आप अभी बेहोश होकर प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी बेहोश होकर गिरिए 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 बेहोश होकर गिरिए, हम संभालेंगे। एक सेकंड, वो कितने देर में आ रही है? कितने देर में आ रही है ये तो हमको पता करना पड़ेगा। हाँ हम पता करते हैं। अरे कहाँ है ये सब? क्या है ये हार है, चौटाला मैडम आ रही है ना, तो क्या उनका स्वागत नहीं करना है क्या? तो स्वागत में इतना सब फूल वूल लेकर आ गए हैं? हाँ, नॉर्मल स्वागत नहीं होता है क्या लोगों का? आ गई मुद्दे पे आ गई। अरे चौटाला मैडम है, वो हमारी सीनियर, हमारे पुलिस फोर्स के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। अरे कितने सारे लोगों के लिए तो वो प्रेरणा स्रोत है, और आप भी तो कितना मानती हैं उन्हें, आप भी तो प्रशंसक हैं, आप खुश नहीं वो आ रही है तो? आपको पता है वो किस लिए आ रही है यहाँ पर? हमने जो कलंक लगाया ना हमारे थाने पे, उसको साफ करने के लिए कोई और आ रहा है, हम नहीं साफ कर पाए, सोचिए ये खुशी का बात है? अरे चटक चांदी, काय के लिए इतना लोड ले रही है? फाइनली ये केस एक औरत ही सॉल्व कर रही है ना, कोई मर्द तो नहीं आया बीच में अपनी टांग अड़ाने को, तो फिर काय को इतना लोड लेने का है कि नहीं? मैडम खंडाला चौटाला मैडम आ गई। संतु जी आराम से, संतु जी आराम, संतु जी आई, संतु जी आई, संतु जी, संतु जी। आओ, अबे कितना टाइम लग रहा है, इतनी फुटेज तुम ले लोगे तो हम क्या यहाँ टीवी सीरियल की शूटिंग करने आए हैं? मैडम, जहाँ आपने बोला था पहुँचा दिया, अब हम जाएं? अरे ऐसे कैसे जा सके, पहले यो तो बताओ कि फ्लाइट से लेकर यहाँ तक मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी को धक्का क्यों लगवाया? क्योंकि फ्लाइट में हमसे आपको धक्का लगा था मैडम। वेरी गुड, तो यो बताओ कि इस पूरी धक्कम पेल में तुमने के सीखा ना मैडम? सीखा कि अब फ्लाइट में कितनी भी जल्दी हो, चंद्रमुखी चौटाला को धक्का नहीं मारना है। गलत जवाब, चलिए थारी बारी। यही कि कहीं भी हो किसी औरत को धक्का नहीं मारना है। वेरी गुड, औरतों के संग बदतमीजी, धक्का नहीं करना है, तो औरतों की इज्जत करनी चाहिए, औरतों से तमीज से पेश आना चाहिए। वेरी गुड, लेसन लर्न्ड। इब दोबारा ऐसा कुछ भी किया, ज्यादा छेड़ू बने तो गाड़ी को ना उड़ते हुए प्लेन को धक्का लगवाऊंगी, समझे? मैडम, बोलिए, आपको क्या लगता है कितने दिनों में केस सॉल्व कर लेंगी आप? मन ने बहुत अच्छा लगता नहीं, सॉल्व करने को तो मैं 2 घंटे में केस सॉल्व कर दूं, फिर तुम लोग कहोगे कि पुलिस काम ना करती, मेहनत ना करती, है ना? तो अभी अभी तो लैंडेड हुए हैं हम आपके शहर में, थोड़े कबाब वबाब खा लें, थोड़ी मेहनत कर लें, केस भी सॉल्व कर देंगे, और जब कर लेंगे तो तुम आ जाना। तब तक वो देखो तैमूर का भाई चलने लगा, जाओ उसकी फोटो लो जल्दी, बहुत क्यूट है वो।
जय हिंद। हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग एंड पुष्पा सिंह रिपोर्टिंग। यू ओके? बिल्कुल ओके नहीं है मैडम, हमारी गर्दन अकड़ गई है। जो हमारे सामने अकड़ाते हैं उनकी अकड़ और वो खुद गायब हो जाते हैं। ई वो क्या है? ता दी तुम नम तरीके ता दी तुम नम तरीके ता दी एकदम ओके हो गया। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। शादी है क्या हमारी? नहीं नहीं, आपका स्वागत कर रहे हैं हम। तो यो हार उन्हें पहनाइए जिन्हें हार का शौक हो। हमें तो जीत का शौक है। हमारे लिए चाय बोलो। हाँ हाँ बोलते हैं। आइए 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 आइए। हम सबसे आपका परिचय करवाते हैं। कोई जरूरत ना है। अलाउ मी, मैं सबका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। ये तो वर्ल्ड फेमस चल रहे हैं पूरे मार्केट में। हसीना मलिक, SHO, इमोशन का होलसेल भंडार। मतलब केस कोई भी हो, कैसा भी हो, जज्बात से सॉल्व करती हैं। हमारी इन हाउस निरूपा राय जी, नमस्कार। करिश्मा सिंह, हड्डी तोड़ स्पेशलिस्ट। मतलब पूरे एरिया के जितने अस्पताल हैं इन्हीं के रहमो करम पर चल रहे हैं, वरना ताला लग गया होता उनमें। अपराधी खत्म, अपराध खत्म। यही ना रहा है ना आपका मैडम? नाइस। ओहो, क्या नाम अपना? हाँ, संतोष शर्मा। इन्होंने मेरा नाम लिया। साइबर स्पेशलिस्ट। सिंगाड़ा खा के दिमाग घना आड़ा चले है इसका। इनको किसने बताया? हम नहीं। भाई बाकी सबका तो मन ने बेरा है, पर यो कौन है गेस्ट अपीयरेंस? फेस इधर। यो जो लीकेज हो रही है ना थारे गालों की फुलाई से, यो देख के मन ने आभास हो रहा है कि कहीं भी मेट। नो नो, कहीं भी वी मेट नॉट। अबे दिखा तो सही। ये लीजिए, सुपर थानेदार के लिए बदनाम स्पेशल चाय। अच्छा, स्पेशल चाय, वेरी गुड। घनी क्रेविंग हो रही थी, वरना यहाँ तो किसी ने पूछा नहीं कि कुछ खा पी लो। और यो कौन है? हम इनकी दुकान के 50% शेयर होल्डर हैं। इकबाल नाम, उधर बिरयानी की दुकान भी हमारी। अच्छा। इसे चाय कहवे? अबे इसे नागिन पी ले तो फड़फड़ा के मर जाए, तभी दिमाग काम ना कर रहा इन सबका। ना तू जिंदा कैसे है? ऐसी बिच्छू के जहर वाली चाय पिला के कोई थारे कलेजे में छुरा कैसे ना घोप गया? इवन काउंटर कर दूं इससे पहले निकल यहां से। मीका बोलते? ना, ना, ना। हम कह रहे हैं कि मैम आप यहाँ आई, हमें बहुत बहुत खुशी है तहे दिल से। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। और अब हमें उम्मीद है कि आप आ ही गई हैं, तो हम मिलकर इस केस को बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट, क्या है? साथ मिलके? एक बात मैं पहले यहाँ क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में कि ये वो साथ मिलके कीकली करें, आओ बहन चुगली करें, इज नॉट माय स्टाइल। केस सॉल्व होगा, लेकिन केस मैं अकेले सॉल्व करूंगी। आप लोगों की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, स्पेशली उन लोगों की जिन्होंने महिला पुलिस थाने की छवि को, उसके रुतबे को कतई धूमिल करा है। मैंने क्या किया? पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, वो का है कि मैं बात कर रही हूँ ना, बोल रही हूँ मैं। या इतनी भी तमीज किसी ने ना सिखाई कि जब सीनियर बात कर रहा है तो बीच में एकदम बालक की तरह नहीं घुसे चले आते?
जब तक मैं इंस्ट्रक्शन देना खत्म ना करूं कोई बीच में नहीं बोलेगा. इज इट क्लियर? क्लियर, यस मैम. मैं यो नहीं कह रही हूं कि आप लोगों ने कोई मेहनत ना करी. करी है, आप लोगों ने घनी मेहनत करी है. केस सॉल्व करें एक नहीं कई. आप लोगों ने लोगों की मदद करी है, उनके दिल जीते हैं, उनका विश्वास जीता है. लेकिन एक गलती इंसान के अच्छे अच्छे कर्मों पर पानी फेर देती है. और यो जो दुनिया बैठी है ना बाहर, यो आपकी सच्चाई ना देखती, ना देखती आपकी अच्छाई. दुनिया देखती है मौका, जहां आप एक गलती करें और फिर वो आपको आजीवन यो सुनाते रहेंगे कि आप पे भरोसा करके उन्होंने गलती करी. जैसे कि हमने यो महिला पुलिस थाना खोलकर गलती करी. इसलिए यो केस सॉल्व होने के बाद यो महिला प्रधान पुलिस थाना मैं खुद बाइंड अप करके जाऊंगी. डिसमिस. जाओ ढंकी चाय पियो जाके बाहर. रुकिए. हम तो गोलगप्पा देवी, आपकी मदद लगेगी मन्ने इस केस में. करेंगी मदद? हाँ मैडम, जरूर करेंगे मदद. वैसे आपने सोचा क्या है बताइए, हमें कहाँ से शुरुआत करेंगे मम्मी ढूंढने की? ढूंढना क्या है, यो तो री मम्मी. मम्मी, मैं तो अभी तक पापा नहीं बना हूँ. माँ, इनको मम्मी कहाँ से दिखे? हाँ, वैसे कौन से एंगल से ये मम्मी लगेगा? अरे लगेगा नहीं तो लगवाइए पुष्पा जी. कोई पट्टी घोल के अंदर चेक नहीं करेगा कि अंदर मम्मी है कि पप्पू, मतलब पप्पा. ईद तो फिर पार्ट कर यू बेटिंग भात. क्रिसमस, काम पे लगो. चलो चलो चलो. ये तो मारे वालों से भी गए उतरे हैं. हो गया. लिखा कितना प्यारा लग रहा है हमारा बिल्लू. छेड़ो मत उसे. अंदर मैं बहुत टाइम से रहूंगा ना, तो मेरा टाइम पास कैसे होगा? क्या करें? ये अरे हाँ, छोड़ो अंदर जा. ओके ऑल ऑफ यू, मत कर दो. बाय जा. मिशन ऑन मम्मी बिल्लू दिस. बाय भागना. जा जा. रखिए आराम से. नहीं मोबाइल रखिए. पूछ. अरे क्या कर रहे हैं आप? मैडम आप समझ नहीं रही हैं. जैसा समझाया है वैसे ही बोलना. ओवर एक्टिंग मत करना. मैडम क्या हम जान सकते हैं कि इस कॉफिन में क्या है? भाई देखिए, जिसका काम उसको साजे है ना, तो आर्कियोलॉजिस्ट आप यहाँ बैठे हैं वो बताएंगे. इजिप्ट से एक नहीं दो मम्मी आई थी, ये वही दूसरी मम्मी है. सर ये कौन सी मम्मी है, इसकी क्या हिस्ट्री है? बहुत ही पुरानी और प्यारी हिस्ट्री है इस मम्मी की. ये और इसकी रानी, वो दूसरी मम्मी जो चोरी हो गई, उन दोनों में बहुत प्यार था. दोनों ने इजिप्ट के महलों में कई डुएट्स भी गाए थे. पर किस्मत में इनका मिलन मंजूर नहीं था. क्यों, ऐसा क्या हो गया था? यार तुम मीडिया वाले ना, तुम्हें ऐसा क्या हो गया? फ्यूचर में क्या हुआ, पास्ट में क्या, एक्स में क्या, कंट्रोवर्सी में क्या? अबे एक था राजा एक थी रानी. दोनों में थी लव कहानी. इन इससे पहले कि राजा अपनी रानी को मम्मी बना पाता, रानी जो थी उसकी एक काइया मम्मी थी. समझ रहे हो, होती है किसी किसी की, सबकी अच्छी होती है, किसी किसी की निकलती है काइया. तो वो जो काइया मम्मी थी, उसने इससे पहले कि वो अपनी रानी को मम्मी बनाए, राजा को मम्मी बना दी. समझ रहे? और इस गम में वो जो रानी थी जो कतई मम्मी बनना चाह रही थी, वो सदमे में आकर खुद भी मम्मी बन गई. तो समझ रहे हो, मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है, ये कोई और समझा नहीं पाएगा. कि जो रानी है जो मम्मी बनना चाहती थी वो मम्मी बन गई, क्योंकि रानी की मम्मी ने राजा को मम्मी बना दिया. और राजा जो डैडी बनना चाहता था वो मम्मी बन गया. तो इब राजा रानी डैडी मम्मी सिर्फ मम्मी मम्मी बन गए. उनमें से एक यहाँ है
एक चोरी हो गया, यानी कि रानी मम्मी चोरी, क्लियर? कहा बोले जा रही है, कहा चल रहा है इनके दिमाग में? क्या मालूम, इसके दिमाग में घुस के जाके देखना पड़ेगा अभी। हाँ हाँ का कुछ नहीं, इब आप लोगों को हमने यहाँ क्यों बुलाया है यो मैं बता दूं। आप लोगों के जरिए से हम चाहते हैं कि जिस किसी ने दो प्रेमियों का जोड़ा यानी कि राजा मम्मी और रानी मम्मी को अलग किया है, रानी मम्मी को चुरा के राजा मम्मी को लोनली कर दिया, वो चोर ये बात समझ ले कि दो प्रेमियों को अलग करना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो ऐसा भीषण क्रूर पाप करने वाला तुझे जो है बहुत बैड कर्मा होगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि यो जो रानी मम्मी है और वो जो राजा मम्मी है दोनों को अलग ना किया जाए, मिला लिया जाए। तो ईब जो चोर है उसके पास भला कर्म टू अर्न सम गुड कर्मा एक कोई चांस है, वो यो कि 24 घंटे के अंदर या तो तू आ जा रानी मम्मी को लेके इससे मिलाने या इस राजा मम्मी को लेके जा, और जो तू ना आया और मुझे आना पड़ा तो मन ने कष्ट होगा बिकॉज आई डोंट लाइक वर्किंग टू हार्ड दिस डेज, और अगर मैं आ गई तो मन ने हो जाएगी तकलीफ और फिर मैं थारा घंटा बना के घंटा घर पे टांग दूंगी जिसे हर कोई आवन जावन करने वाला ना बजा के जाएगा। इट्स अ फैमिली डिस्कशन, इसलिए मैं ज्यादा कह नहीं पा रही हूँ, बस यो संदेश है यो दे देना। चोर ईप तू समझ जा, क्योंकि इसके बाद मैं समझाऊंगी नहीं। एक और मम्मी मतलब डबल प्रॉफिट, चलो इसको भी साफ कर देते हैं। हाँ इसको भी साफ कर देते हैं, हलवा है ना, इस बार मम्मी साफ करने गया ना तो खुद साफ हो जाएगा दुनिया से। तुझे पता भी है चंद्रमुखी चौटाला है कौन? मैंने पता किया है, आफत है आफत, कुत्ते की तरह मारती है, भूल जाए मम्मी शम्मी। हाँ तो तू भी भूल जा पैसे, ये मम्मी जोड़े में आई है इजिप्ट से, राजा और रानी, खाली रानी कौन खरीदेगा, जो भी खरीदेगा जोड़े में खरीदेगा ना। ये रानी की मम्मी हमारे लिए पैर की चप्पल की जूती की तरह है, टोटल वेस्ट, कोई फायदा नहीं है इसका, ये मम्मी बेचनी है तो दूसरी मम्मी लानी ही होगी। कोई कहीं नहीं जा रहा है, देख चिंटू मैं और रिस्क नहीं ले सकती हूँ, हमें यहाँ पर कुछ दिन छुप के रहना ही पड़ेगा, और मुझे इस मैटर पे कोई बहस नहीं चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, बात खत्म। नहीं मतलब क्या चाल चली है उन्होंने, चोर यहाँ आएंगे तो पकड़े जाएंगे ठीक है, और नहीं आएंगे तो उनके पास जो मम्मी है वो हो जाएगी यूजलेस, क्योंकि सिंगल मम्मी को तो कौन खरीदेगा है ना, उनकी कीमत तो जोड़े में ही है, ऐसे थोड़ी ना हर कोई उनका फैन है। गजब क्या समझाई है आप, वाह क्या बात है सिंगाड़े, एक नंबर, चला बहुत हो गया, सब बढ़िया है, तो मैं जाती है, मेरे को करने का है पैकिंग, क्योंकि परसों सुबह की ट्रेन लेके जाएगी मैं सीधा मुंबई। जा रही है मतलब आपका याद आएगा, याद आएगा, मेरे को भी तेरा बहुत याद आएगा दादी, लेके चलो क्या तेरे को साथ में, संतुजी क्या करेगी, चला ओके बाय। एक मिनट क्या बकवास है ये, देख खाने पे लगने वाला है ताला, ऐसा ही बोली थी घोटाला चौटाला, घोटाला क्या बोल डाला चिकने, तो अभी मैं इधर रुक के क्या करूँ, अपुन का काम खत्म ना। एक मिनट, हमारे थाने पे कभी भी ताला नहीं लग सकता है, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग बोल के गए कि हमारे थाने पे ताला लग जाएगा, लगा क्या आज तक, नहीं लगा ना, तो इस बार भी नहीं लगेगा। अच्छा और क्या करने वाली है उसके लिए? बहुत कुछ कर लेंगे, अपने थाने को बंद होने से रोकेंगे हम, किसी भी हद को पार कर देंगे, लेकिन अपने थाना को बंद नहीं होने देंगे, समझे? तो कैसे? सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, कुछ प्लान बनाएंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन थाना बंद नहीं होने देंगे। वैसे एक रास्ता है अपन के पास, पर तुम लोग मानोगे नहीं। कैसा रास्ता? कौन सा रास्ता? और नजीका बताती हूँ। सुन इधर, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा अभी सुनो, देखो जब तक ये चौटाला इधर है तब तक तो कोई इसके पास से वो मम्मी चुरा कर जाने की हिम्मत करेगा नहीं, अपने पास है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का टाइम, तो अगर ऐसा कुछ हो कि अपन सभी खुद मिलकर चौटाला की नाक के नीचे से वो मम्मी चुराए और मम्मी के जरिए उस चोर तक पहुंचने की कोशिश करे तो बेहतरीन। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम चोरी करें, हम अपने थाना में चोरी करें और चोरी जैसा इतना बड़ा अपराध करें?
अरे यार, ये आइटम का क्या दिक्कत है लाइफ में, मेरे को समझ में नहीं आता रे। इसके अंदर एक तो ना हसीना मलिक ठीक से अंदर घुसी नहीं है, और खुद के अंदर की जो करिश्मा सिंह है ना, वो फुल बाहर आई नहीं है। इसके अंदर पूरा अंदर खिचड़ी चल रहा है, खुद से ही लड़ती रहती पूरा टाइम। अभी देख तेरे को, तू बता तेरे को क्या करने का है, तेरे को थाना बचाने का है या ईमानदारी का झंडा लेके घूमने का है? हाँ ठीक है, तुम जो कह रही हो हम वो करेंगे, हम चोरी करेंगे। नक्की उधर जाके बाद में पलटी ना तो मेरे दिमाग का मंजीरा हो जाएगा। नहीं, तुम्हारे दिमाग का मंजीरा नहीं होगा, हम चोरी करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने मम्मी चुराने का आइडिया तो दे दिया है, पर चंद्रमुखी चौटाला को चकमा देना इतना आसान नहीं होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।